जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ नकिन प्रकाशन बुक क्लास 12th। तो हम लोग चैप्टर 7 इंटीग्रेशन को पढ़ रहे थे, और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7B के 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग 12 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का, ठीक है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, पिछला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्स पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं एक्स प्लस ए, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, अगर इसमें एक ए जोड़ दिया जाए और एक ए घटा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला क्वेश्चन में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस ए से डिवाइड करें तो एक्स वन आएगा, एंड माइन डी एक्स माइनस इधर क्या बचेगा, ए अपॉन एक्स प्लस ए, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए, अब डी एक्स यहाँ भी लगा दें, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स, राइट, एक्स आ जाएगा माइनस ए, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो बाहर रखेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस ए बचेगा, तो एक्स प्लस ए का, अरे इसको भी अगर सिंगल पावर्स तो सिंगल ही है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ए, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड एक्स प्लस ए का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का वन आ जाएगा और ए का जीरो, तो वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी प्लस सी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चलिए बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ही आसान है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन रूट एक्स डीएक्स। चलिए इसको इंटीग्रेशन इसका भी कर देते हैं, है ना। तो रूट को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं, रूट की पावर, रूट को एक्स द पावर 1/2 लिख सकते हैं, आप बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स द पावर 1/2, ठीक, प्लस 2x अपॉन एक्स द पावर 1/2, देख कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 5 अपॉन एक्स द पावर 1/2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए dx, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर। अच्छा, दो में से एक आधी पावर जाएगी तो कितने बचेंगे, डेढ़ बचेगा, यानी 3/2 हो जाएगी पावर, है ना। तो एक्स द पावर 3/2 प्लस एक में से आधा जाएगा तो पावर हाफ, तो यानी 2x पावर हाफ, कोई दिक्कत। अब यहाँ तो कुछ है नहीं पावर, तो माइनस चला जाएगा, यानी माइनस की पावर हो जाएगी एक्स द पावर माइनस 1/2, राइट। अब कर दी इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, राइट, प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर ही रखेंगे ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से 5 भी कांस्टेंट है, 5 को भी बाहर रखेंगे, एंड एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1, सॉरी माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको कर देंगे सॉल्व, है ना। तो 3/2 में जोड़ेंगे पावर क्या जगह, 5/2 हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, ठीक, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 2x द पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसी तरीके से 1 माइनस से माइनस 1 घटाएंगे, कोई दिक्कत, तो यानी क्या बचेगा, अगर 1 में से माइनस 1 होता है, यानी 5x द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। अब सबके बटे में अगर 1 मान लिया जाए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2/5x द पावर 5/2, ठीक है, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 4/3x द पावर 3/2 माइनस 5x द पावर, रूट नहीं लिख सकते, रूट 5x हाफ पावर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 चला जाएगा इधर, तो 10 हो जाएगा ना, 10 √x
माइनस का ही रहेगा, वन से कोई मतलब है नहीं, प्लस सी। इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, या तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर खोल देंगे पहले, तो यही करना है। तो यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स राइट डीएक्स। ठीक, फिर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन कॉट, एक दूसरे के अपोजिट होते कट जाएंगे, क्या बचेगा टू डीएक्स। अच्छा, वन को ब्रेक करके लिख सकते हैं कैसे, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, वन को एक ब्रेक कर दिया, प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है, आप कहेंगे बनना तो रहा है फॉर्मूला, क्या बनना है फॉर्मूला, यानी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स राइट, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन पता ही ना, कर ले सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, अच्छा कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस तरीके से आराम से इंटीग्रेशन कर सकते थे इसका, तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 15। 15 क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है कि नहीं है, नहीं याद हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो पढ़ी है उसको सर्च करके देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री आर फॉर्मूला बाई अंकुश सर। ठीक है, तो जैसे आ जाएगा यानी कॉस टू एक्स डी एक्स। ठीक, इसमें क्या करते हैं, वन अपॉन इंटीग्रेशन का तो करना ही है, वन प्लस कॉस टू एक्स को कुछ कर सकते हैं हम लोग, कॉस टू एक्स का क्या कर सकते हैं, कॉस टू एक्स को कुछ लिख सकते हैं हाफ एंगल में, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख तो सकते हैं इसको भी, किसमें लिख सकते हैं कॉस टू एक्स को हम लोग, किसमें लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं हम लोग टू, अच्छा कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो लिख सकते हैं हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वन वन कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, और क्या बचेगा, वन बाई टू इंटू वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो बचेगा डीएक्स। अब वन बाई टू तो कांस्टेंट है, तो वन बाई टू बाहर है, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स राइट। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता ही है क्या है, यानी वन बाई टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी राइट। सच है ये क्वेश्चन, बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा इसमें टोटल 26 ही क्वेश्चन है ना, चलिए बस खत्म ही होने वाला है 16 क्वेश्चन। वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स, ये भी यूजी क्वेश्चन है, ऐसे ही बना है, चलिए इसको भी इसी तरीके से कर डालते हैं, यानी वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स को और क्या लिख सकते हैं, साइन में लिख सकते हैं कुछ, हाँ लिख सकते हैं, क्या है फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें एटलीस्ट ये वन को ख़त्म करना है, और वन को ख़त्म इसी तरीके से किया जा सकते हैं। देखिए ये प्लस का ये माइनस का वन एंड माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, एंड क्या बचा, साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और हमें पता ही है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू कॉट एक्स प्लस सी राइट। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। ये तो आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन 17 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन रूट 1 cos 2x। देखने में आसान लग रहा है तो करने भी आसान ही होगा, करिए। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, तो यानी अंडर रूट 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos² x - 1। ये 1 से 1 कैंसिल dx, ठीक। क्या बचा, रूट 2 cos² x। इसको रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं हम लोग। रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लें, लिख सकते हैं ना, कर सकते हैं इतना, बढ़िया। तो पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डीएक्स यहाँ डीएक्स लगा लें, यानी क्या बचेगा, अंडर रूट 2 cos x, ठीक है, का इंटीग्रेशन। आसान है, तो रूट 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को टर्म को बाहर निकाल लिया, रूट 2 इंटीग्रेशन cos x dx, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, यानी माइनस 2 √sin x प्लस सी, माइनस साइन ही नहीं होगा इसका, तो प्लस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है। अच्छा आसान लग रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं, और सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? अच्छा ऐसा करना, ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल कंथस्ट हो जाएंगे, एक बार देख के करना, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना बिना देख के। अगर कर पा रहे हो तो ये समझ लेना आपने ध्यान से पढ़ा, नहीं तो ध्यान की कमी है, फिर से रिवाइज करो और फोकस रखो क्लास में। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ माइनस है, प्लस वाले में कॉस आएगा, माइनस वाले में कॉस टू एक्स में साइन लेके आएंगे, साइन को बुलाओ, साइन आएगा 1 - 2 sin² लाएगा, ठीक है dx, इससे ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या बचा, बचा अंडर रूट 2 sin x का होल स्क्वायर बचा dx, क्या बाहर आ जाएगा, अब सॉरी रूट भी तो है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया आएगा, रूट 2 sin x dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो रूट तो ऐसे ही है, एंड साइन का माइनस cos x प्लस सी। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, बढ़िया, फिर तो बढ़िया, फिर तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो आज के लेक्चर को बस यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो।